हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग। तो आज हम बात करेंगे स्टोरी राइटिंग के बेसिक्स के बारे में। तो पहले हमने क्या जाना पहले के इन द फर्स्ट पार्ट कि तीन चीज़ें होती हैं एक जोक में, कि पहले होता है कि कैरेक्टर्स, दूसरा है वो मेन कहानी और तीसरा है क्लाइमैक्स। तो यही होता है पूरी फिल्म में। ये अब हम सपोज अभी ये 90 मिनट्स की एक फिल्म बना रहे हैं, ठीक है। 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा, 1 आवर 30 मिनट्स। तो इसको हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, 90 डिवाइडेड इनटू 2, 45 मिनट्स। इसका भी डिवाइड किया 22 मिनट्स में, ठीक है। फिर यहाँ से फिल्म शुरू होती है, यहाँ तक 20 मिनट्स, यहाँ तक 45 मिनट्स, यहाँ तक 67 मिनट, यहाँ तक 90 मिनट्स, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है जो हर हॉलीवुड फिल्म में होती है, और वो लोग बेसिक चीज़ें लेके ही फिल्में बनाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जो फ्लो होता है हमारा, उस जब भी हम एक कहानी सोचती है कि हमको ये कहानी बनानी है, तो वी फ्लो विद द स्टोरी विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स। वो रूल्स क्या है, फर्स्ट एक्ट, सेकंड एक्ट और थर्ड एक्ट, ये तीन एक्ट्स में उसको कहानी को डिवाइड किया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही आप यही फॉलो करो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो कहानी इस रूल्स में ना आए। तो पहले ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले जो भी आपका फ्लो है कहानी का, वो पहले अपने मन से लिखो, जितना भी आपको सोचता है वो स्टार्टिंग टू एंड लिखो, और फिर ये रूल्स अप्लाई करके देखो। तो हमारी कहानी तीन एक्ट्स में डिवाइडेड है, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3। अब फर्स्ट एक्ट में, जो पहला 20 मिनट्स के एक्ट में क्या क्या दिखाना है हमें, प्लेस दिखाना है। सबसे पहले प्लेस, कि वो कहाँ हो रहा है, पुणे में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, आपकी कहानी कहाँ पे बेस्ड है, US में है, चाइना में है, कौन से देश में है, कौन से शहर में है, या कौन से गांव में है, पहले वो बताऊं। फिर है कि विच ईयर, कौन से साल में हो रहा है, अभी ये करंट टाइम है 2018, 19, या 1990s के पहले का है, या बिफोर इंडिपेंडेंस है 1947 से पहले का है, कब है वो ईयर पहले बताओ, या फ्यूचर का है, आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 या 100 साल बाद वाली कोई कहानी आप बता रहे हैं, या 10 साल पहले वाली कहानी बता रहे हैं, वो ईयर मेंशन करना ज़रूरी है। अब जो लेटेस्ट फिल्म आते हैं उसमें क्या होता है कि लेटेस्ट ही चीज़ें दिखा दे, 2019 का ही होता है जो करंट टाइम चल रहा है। उसके बाद होता है कि योर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, आपके फिल्म में जो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है, हीरो है, हीरोइन है, जो भी साइड किक हैं, विलन है, ये जो जिन पे वो कहानी चलती है आगे, जिनके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो हमारे साथ पूरी फिल्म में है, वो दो तीन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, हीरो हीरोइन और साइड किक होता है और विलन, ये सब तीन चार कैरेक्टर्स को हमें पहले इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद जो हमारा हीरो है उसका स्किल्स क्या है, मतलब वो एक्टर्स जो भी कैरेक्टर्स है वो बैकग्राउंड उनका क्या है, वो कहाँ से आए हैं, वो क्या करते हैं, वो पहले क्या होता है उनका डेली लाइफ, एकदम नॉर्मल होता है, सीरियल किलर होता है या एक बहुत ही शरीफ इंसान होता है जो जॉब करता है,
उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया है, किस तरह का इंसान है वो। वो मतलब मिस्टिवस काइंड ऑफ है, आउटगोइंग काइंड ऑफ है, या इंट्रोवर्ड है, शांत है, किस तरह का है वो, उसका बैकग्राउंड बताना है हमें। फिर उसका स्किल्स बताना है, उसका स्किल क्या है, वो क्या चीज़ है हमारा हीरो अच्छी कर सकता है, उसका स्किल्स। फिर उसका वीकनेस क्या है, वो भी बताना है, किस चीज़ का उसे डर है। ये हो गया फर्स्ट एक्ट। फर्स्ट एक्ट में ये सब चीज़ें हमें पहले बतानी है। ये आता है 22 मिनट्स तक। उसके बाद आता है सेकेंड एक्ट। सेकेंड एक्ट में क्या होता है, यहाँ पे 22 मिनट्स यहाँ पे जब ख़त्म होता है, यहाँ पे हम कहानी का प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कहानी का मेन जो प्रॉब्लम है कि जिस वजह से हीरो के लाइफ में पूरा मतलब चेंज हो जाता है, उसको प्रॉब्लम्स आती है, वो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ दिस स्टोरी, पूरी कहानी का मेन प्रॉब्लम क्या है, वो हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, सेकेंड एक्ट में। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो हमारा जो हीरो है, व्हाट विल ही लूज़ इफ़ यू डोंट फाइट बैक। मतलब उसका एक घर होता है, अगर उसने काम नहीं किया, कुछ मेहनत नहीं किया, या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, तो उसका घर बेचा जाएगा, या कुछ और हो सकता है, कि जैसे फाइंडिंग नीमो में होता है कि बाप होता है, बेटा होता है, बेटा गुम हो जाता है, और उसको ढूंढने के लिए फिर बाप क्या करता है, किडनैप हो जाता है बेटा, तो उसको कैसे ढूंढता है, ये कहानी उसका शुरू होता है। बच्चे को नहीं बचाया तो मर जाएगा, उसका कुछ भी हो जाएगा। तो व्हाट इज़ ऑन द स्टेक, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो क्या होगा, ये हमको यहाँ पे बताना है। उसका डर जो भी है, जो अपने हीरो का डर है कि जो कुछ गलत हो सकता है, तो वो चीज़ हमें रोकनी है, उसके लिए मुझे फाइट बैक करना है, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स ही लूजेस एंड फाइट्स बैक अगेन। तो ये जो पार्ट है सेकंड एक्ट वाला, ये जितना भी लेंदी हो उतना अच्छा है। मतलब वो अगर हम दिखाए, फॉर एग्जांपल, ही ट्राइज 10 टाइम्स वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हम 10 टाइम्स वो कोशिश करता है और 10 टाइम्स वो फेल हो जाता है, ये एक एग्जांपल हो सकता है। तो वो 10 टाइम्स कोशिश करता है और 10 टाइम्स फेल हो जाता है। आप 20 बार भी दिखा सकते हो, 30 बार भी दिखा सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पार्ट होता है, ये जितना भी लेंदी हो उतना अच्छा है। हाउ मेनी टाइम्स ही ट्राइज, हाउ मेनी टाइम्स ही फेल्स, ये पूरे एक्ट 2 में हमें यही दिखाना है कि वो क्या क्या उसके दिमाग में आता है, कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं ये करो वो करो और सब फेल हो जाता है। तो हीरो जो भी करता है इस पार्ट में, कोशिश जो भी करता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की, वो सब फेल हो जाता है। अब ये क्या है कि प्लांट सपोर्ट सिस्टम इन द बिगिनिंग, तो ये थोड़ा रह गया हमारा पहले का। सपोर्ट सिस्टम हमें प्लांट करना है यहाँ पे कहीं पे फर्स्ट एक्ट में। अब सपोर्ट सिस्टम मतलब क्या है, कि ये हमारे हीरो ने इतना सब मेहनत किया है फिर भी यहाँ पे फेल हो रहा है, तो हमको कुछ यहाँ पे एक प्लान करना है, कि कुछ एक छोटी सी चीज़ या कोई ऐसा इंसान से उसका फ्रेंडशिप हो जाता है कि उसके पास कुछ होता है हेल्प के लिए, मदद के लिए, और वो फिर आ जाता है यहाँ पे। जो भी वो यहाँ पे थर्ड एक्ट में भी हम उसको, उस कैरेक्टर को, वो या जो भी चीज़ है उसको, हम क्लाइमैक्स में, ये जो पार्ट है थर्ड एक्ट वाला, इसमें क्लाइमैक्स आता है, रेजोल्यूशन आता है, यहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत फिल्मों में होता है, आपने देखा होगा ठीक से, तो
समझ में आएगा। तो यहाँ पे थर्ड एक्ट में क्या होता है कि हीरो इज गोइंग टू फेल एंड हिज सपोर्ट सिस्टम हेल्प्स हिम। तो उसका जो भी हम सपोर्ट सिस्टम प्लान करेंगे, जैसे चील होता है, कौवा होता है, या उसका पेट होता है कुत्ता, वो कहीं पे पीछे छूट गया है। और यहाँ पे व्हेन ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज होप, तो वो अचानक से वो कुत्ता या चील या जो भी है उसको आ जाता है मदद करने के लिए। तो वो उसका सपोर्ट सिस्टम है कि जब वो प्रॉब्लम में है तो वो अचानक से कहीं से भी आ जाता है। और कहानी को, जो कहानी अब फेल होने वाली है, उसको थोड़ा सा हेल्प करता है, बूस्ट करता है, बचाता है, ताकि अपना हीरो आगे और लड़ सके। तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, उसका पेट होता है चील, या उसका कोई दोस्त हो सकता है, या कोई चीज़ हो सकती है। दैट वे यू हैव टू प्लांट दी सपोर्ट सिस्टम्स इन बिटवीन, कहीं पे भी, या शुरुआत में या एंड में, कुछ भी। लेकिन वो चीज़ उसको बाद में हेल्प करती है क्लाइमैक्स में, पहले उसके पास वो चीज़ नहीं होती। हो सकता है कि वो सेकेंड एक्ट में कहीं पे वो चीज़ मिल जाए, और वो फिर एंड में उसको मदद आती है उस चीज़ की। ओके, फाइट इज नॉट हो। तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम वाला जो भी होता है वो आता है, हेल्प करता है, लेकिन अभी भी फाइट ख़त्म नहीं हुए, अभी भी फाइट करना है और मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब यह क्या है, सो ही रियलाइज हिज स्किल्स। तो उसका जो स्किल होता है, जो शुरुआत में, कि जैसे उसका स्किल होता है कि उसका एमिंग बहुत अच्छा है, कुछ फेंक के मारता है तो ठीक निशाने पे लगता है, उसका वो स्किल उसको याद आता है कि वो स्किल, अपना स्किल यूज़ करके फाइट बैक करता है और जीत जाता है। जिस चीज़ को वो भूल गया होता है कि उसका मेन स्किल क्या है, उसका जो वीकनेस है उसको ओवरकम किया मैंने, उस वीकनेस को, तो ही मैं जीतूंगा, ये उसको जब रियलाइज़ होता है, तब वो उसका फाइनल 101% देता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एंड देन ही ऑल्सो यूजेस हिज स्किल्स, उसका वीकनेस ओवरकम करने के लिए उसका 100% देता है, और उसका स्किल्स यूज़ करके फाइनली वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। यहाँ पे प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व्ड। तो क्या होता है, एक्ट वन, एक्ट टू, थ्री, थ्री में क्लाइमैक्स आ जाता है। पहले क्या किया हमने, इंट्रोड्यूस किया कैरेक्टर्स को, उसका वीकनेस को, उसके बैकग्राउंड को, सेकंड कि उसने कितनी मेहनत की वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और एंड में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 90 मिनट्स का फिल्म। अब हाँ, यहाँ पे इंट्रो, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड सेटअप, ये आता है फर्स्ट एक्ट में। सेकंड में उसका मेन स्ट्रगल, उसके उस कहानी का मेन स्ट्रगल यहाँ पे आता है, और बाद में आता है रेजोल्यूशन। तो वही जैसे मैंने पहले बताया कि पहले एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होता है और उसको सॉल्व कैसे करें, तो एंड में सवाल, उस सवाल का जवाब भी यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमको ये कभी समझ में नहीं आता कि कितना लिखना चाहिए। अब मैंने जितना भी लिखा है, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, तो मैंने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस से लिखा है जितना, तो मैंने जब 10 मैं सीन्स लिखे हैं छोटे छोटे एक पेज के, तो वो फिल्म बन गई 20 मिनट्स के। जब 5 सीन लिखे तो वो 10 मिनट के अंदर कुछ हो गया, 20 सीन्स लिखे तो वो 40 मिनट्स या 30 मिनट्स के अराउंड कुछ हो गया। तो अगर आपको 90 मिनट्स की फिल्म बनानी है तो उसके लिए आपको 40 सीन लिखने पड़ेंगे, 40 to 50 फिल्म्स, क्योंकि मेरा जो कैलकुलेशन है वो है एक सी
वन सीन इज इक्वल टू 1.5 और 2 मिनट्स, इतना तो जाता है, इतना जो हम मैंने हमेशा एक्सपीरियंस किया कि एक पेज का होगा तो कुछ 1.5 या 2 मिनट्स का हो जाता है। तो मेरा कैलकुलेशन ये है कि एक सीन 2 मिनट तक जाता है आराम से। वैसे 10 सीन लिखा आपने तो 20 मिनट का हो जाता है, 20 सीन लिखा तो 40 मिनट का, तो और ये 90 मिनट्स का फिल्म होगा तो 40, 40 या 45 सीन्स लिखना पड़ेगा आपको। तो अभी हमको ये जो पूरा है ये 90 मिनट्स का मैंने बताया, लेकिन अब आपको 20 मिनट्स का कहानी बता 20 मिनट्स में वो कहानी ख़त्म करना है, तो फिर यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा उसका हाफ 10, यहाँ पे आएगा 5 मिनट्स, यहाँ पे आएगा 5 मिनट्स, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, वो 90 मिनट्स वाला मैंने डिवाइड कर लिया, 20 का हाफ 10, ये दो पार्ट और 5-5 मिनट के ऐसे 4 पार्ट्स। अब 20 मिनट्स का फिल्म ऐसे जाएगा कि पहले 5 मिनट में इंट्रोडक्शन हो जाएगा, अगले जो है 10 मिनट उसमें पूरा स्ट्रगल का आ जाएगा, और एंड में लास्ट का 5 मिनट्स वो स्ट्रगल आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी, ये एक स्ट्रक्चर है, वो भी बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। और शुरुआत जब आप करें कोई कहानी लिखने के, तो यू हैव टू फॉलो दिस थिंग्स ताकि कहानी और अच्छे से बने। अब बात करते हैं कि तो ये हमने जो देखा ये एकदम बेसिक, बहुत ही बेसिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, जो रूल्स इम्पॉर्टेंट रूल्स है, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, उसके बाद देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पलेट्स, अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं। साउथ की फिल्में देखें तो उनका अलग होता है टेम्पलेट, एक डिसाइडेड होता है कि फर्स्ट हाफ में कुछ भी हमको मतलब समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, शायद कुछ ये धीरे धीरे प्रॉब्लम्स यहाँ पे बढ़नी चाहिए, जो क्लाइमैक्स वाला होता है वो, जहाँ पे प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि अभी तो हीरो ही हैज़ फेल्ड कम्प्लीटली ऐसा लगना चाहिए थर्ड एक्ट में। तो इसके अलावा भी और भी कई मतलब डिफरेंट एक्ट है जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके, फिर कुछ ऐसे होते हैं कि 7 एक्ट भी होते हैं, 7 या 8 एक्ट होते हैं, हमारे कितने यहाँ पे 3 है जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो उनका ज़्यादा होता है, 10 भी होता है, और उनका रोज का लिखना होता है, रोज का लिखना, रोज का सोचना, और वो फुल टाइम राइटर्स होते हैं बड़े बड़े फिल्मों के लोग, तो उस पर काम बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत लोग एक्सपर्ट लोग काम करते हैं उन इन फिल्मों पे, इसलिए उनका राइटिंग भी उतना ही स्ट्रांग होता है। देन दोज एक्सपर्ट्स विल राइट एंड डेवलप देयर ओन स्टाइल, हैव स्टाइल अब मेंशन्ड इज वेरी वेरी बेसिक। तो वो राइटर्स क्या करते हैं, ऐसे लिख लिख के ये जो 3 एक्ट हमने किए हैं उनका खुद का फिर स्टाइल डेवलप करते हैं, 7, 8 या 9, 10 एक्ट भी करते हैं, जहाँ पे कभी कभी 2 क्लाइमैक्स आ जाते हैं या 3 क्लाइमैक्स आ जाते हैं कि हमको लगता है कि अभी कहानी ख़त्म हो गई है, कि ये अभी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन कहानी और होती है, और इम्पोर्टेंट चीज़ें सॉल्व करनी होती है, ऐसे 2-3 क्लाइमैक्स भी होते हैं कुछ फिल्मों में। स्पीड नाम की फिल्म देखो तो इसमें वैसा है, 2 क्लाइमैक्स है, मतलब मुझे लगता है 2 क्लाइमैक्स है, कि फिल्म देखते समय ऐसा लगता है कि कहानी हो गई ऑलमोस्ट ख़त्म, लेकिन मेन विलन को अब तक तो नहीं पकड़ा है, नहीं मारा है, तो
वो भी अगले 10-15 मिनट्स तक फिल्म चलती है और वो देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो ये होता है हमारा सी लेयर्स का, अभी सी एक्ट का ये स्टोरी। ठीक है, अब कहानी होती है वो तीन लेयर्स में काम किया जाता है, ये अलग बता रहा हूँ मैं। कि पहले क्या होता है, स्टोरी होती है एक सिंपल कहानी, एक बार फिल्म होगी बड़ी फिल्म या छोटी फिल्म, उसका सिर्फ कहानी, डायलॉग भी नहीं, मतलब एक कहानी की ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, और फिर कहानी ऐसा टर्न हो जाती है, फिर ये 5 से 10 पेजेस में या 20 पेजेस में या 40 पेजेस में सिर्फ कहानी लिखी जाती है। तो पहले सिर्फ कहानी लिखी जाती है कम से कम पेजेस में। दूसरा होता है स्क्रीन प्ले। अब स्क्रीन प्ले मतलब क्या है, कि ये जो कहानी लिखी है ये हमने लीनियर वे में लिखी है, कि कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से ख़त्म होती है। अब स्क्रीन प्ले क्या होता है, स्क्रीन प्ले मतलब कहानी को ऐसे बताऊं कि वो इंटरेस्टिंग लगे। जैसे अभी शो शो ये शोले फिल्म है, तो शोले फिल्म कहाँ से शुरू होती है, फिल्म का मेन हीरो कौन है, फिल्म का मेन हीरो राज, क्या नाम है उसका, जो ठाकुर है, उसकी मेन कहानी, और उसने दो लोग हायर किए हैं गब्बर को पकड़ने के लिए, मारने के लिए। तो फिल्म का शुरुआत कहाँ से होता है, कि ठाकुर होता है वो अपने नौकर से बोलता है कि वो दो लोग आने वाले हैं उसको लेके आओ कुछ, और फिर वो मिलते हैं, और फिर एक फ्लैशबैक आता है कि वो दो वो लोग कैसे मिले होते थे, ठाकुर कैसे मिला होता है जय या और वीर से, और फिर फिल्म में आगे थोड़ा कहानी चलता है और फिर से फ्लैशबैक होता है, ऐसे एक दो फ्लैशबैक है उसमें शायद, और फिर अगले फ्लैशबैक में कि वो ठाकुर का पूरा कहानी बताया है, वहाँ से आगे फिर कहानी कंटिन्यू होती है। तो फिल्म में कुछ है ऐसा, दो क्लाइमैक्स है और इंटरेस्टिंग है। तो साथिया फिल्म भी वैसा ही है, कि फिल्म जब शुरू होती है तो पहला शॉट ऐसा है कि विवेक ओबेरॉय रानी मुखर्जी को या किसी को ढूंढ रहा है, भाग रहा है इधर उधर, और ऑडियंस को पता नहीं चलता किसके लिए भाग रहा है, और फिर वहाँ पे कट होता है और वहाँ पे शुरू से कहानी शुरू होती है, कि वो कहाँ मिले, क्या हुआ, कैसे कहानी आगे बढ़ी, वो सब पूरा चलता है। और फिर से फिल्म में वो वाला शॉट होता है जिसको, जहाँ पे रानी मुखर्जी को ढूंढता रहता है, वो कहीं पे एक कंटिन्यू वाला वो सीन आ जाता है, तब हमें समझ में आता है कि जो पहला वाला शॉट दिखाया गया है वो किस बारे में था, वो किसको ढूंढ रहा था, ये बाद में पता चलता है और उसके आगे कहानी कंटिन्यू होती है। काटे भी फिल्म देखो तो उसमें भी ऐसा है कि शुरुआत में ही वो जो जितने भी लोग होते, 4-5 लोग, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, महेश मांजरेकर, सुनील शेट्टी, लक्की अली, कुमार गौरव, इन सबको एक जेल में, एक लॉकअप में पकड़ के रखा है। उनमें जो भी बातें चलती हैं कि हमको क्यों बार बार पकड़ा जाता है, वो एक स्क्रीन प्ले का हिस्सा है। पहला सीन वो होता है कि वो जेल के अंदर बातें चलती हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये जो पुलिस लोग हैं वो बार बार हमें ही पकड़ते हैं, तो हमें उनको सबक सिखाना है। और फिर वो फिल्म का ओपनिंग क्रेडिट आता है, वो फिल्म का सॉन्ग आता है, और फिर वो कहानी शुरू होती है कि उनको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पकड़ा गया, और फिर वो कैसे डिसाइड करते कि इनको सबक सिखाना है ये पुलिस वालों को, फिर वो कहानी आगे बढ़ती है। तो काटे में भी वैसा ही है। तो पहले होगा स्टोरी, मेन स्टोरी, फिर होगा क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स में पहले स्टोरी हो गया, फिर स्क्रीन प्ले हो गया। स्क्रीन प्ले में हम वो जो कहानी है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसको आगे पीछे जोड़ सकते हैं, उसको ऐसे जोड़ना है कि वो कहानी समझ में भी आए और देखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगे। मतलब इस कहानी का थोड़ा सा तोड़फोड़ करके
यहाँ पे स्क्रीन प्ले में ऐसा दिखाना है, ऐसे लोगों को दिखाना है कि ऐसे बताना है उस कहानी को, वो दिखने में इंटरेस्टिंग लगे। स्क्रीन प्ले मतलब जो भी स्क्रीन प्ले स्क्रीन पे दिखने वाला है अभी वो लिखो। यहाँ पे ये शॉट कट होगा, यहाँ पे साउंड आएगा, यहाँ पे साउंड नहीं होगा, यहाँ पे म्यूज़िक होगा, यहाँ पे म्यूज़िक नहीं होगा, यहाँ पे हाँ ट्रांजिशन डिसॉल्व वाला ट्रांजिशन चाहिए, यहाँ पे कुछ अलग वाला ट्रांजिशन चाहिए। जो भी चीज़ें हैं ये सब स्क्रीन पे जो भी दिखने वाला है वो इसमें लिखना है कि हीरो खड़ा है और उसके बैकग्राउंड में कुछ है लाल कलर का पेंटिंग जो उस सीन में दिखना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी दिखेगा, जो भी आवाज़ आएगा, जिस तरह का कैमरा एंगल होगा, डिसॉल्व होगा, कट होगा, नाइट सीन है, डे सीन है, ये सब डिटेल यहाँ पे आएगा स्क्रीन प्ले में, ठीक है। और फाइनली आता है डायलॉग्स। स्क्रीन प्ले लिखने के बाद डायलॉग्स लिखना है फाइनली। फिर सब मतलब यू हैव टू वर्क ऑन दिस थ्री डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, नहीं तो फर्स्ट टाइम में ही आप सब करने की कोशिश करते हो, पहले में ही डायलॉग लिखने का कोशिश करते हो, पहले में ही स्क्रीन प्ले लिखने का कोशिश करते हो, सब चूक जाता है। आप फिर आप सर पकड़ के बैठ जाते हो कि ये सब ठीक क्यों नहीं आ रहा है। तो पहले मतलब लेयर वाइज काम करो, पहले कहानी लिखो सिंपल, उसके बाद स्क्रीन प्ले लिखो, उसका दो तीन वर्जन्स लिखो, जो वर्जन अच्छा लगता है वो फाइनल करो, और उसके बाद एंड में क्लाइमैक्स डायलॉग्स लिखो। तो ये था हाउ टू राइट स्टोरी। फिर भी ये बहुत बेसिक है, यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे आप ये और डिटेल में थोड़ा सा मालूम कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, जितना मैं आज बता सकता था मैंने बताया, और इसके अलावा भी कुछ अगर मिस हो या हो गया होगा मुझसे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं कोशिश कर पाऊँगा तो वो चीज़ें भी कवर कर सकता हूँ जो मैंने मिस किया आज, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगले पार्ट में हम ये बात करेंगे कि कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स को कैसे लिखना है और कैरेक्टर्स को कैसे इंटरेस्टिंग किया जा सकता है, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये हम अगले पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो। ओके एंड सी यू, बाय।